हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। बीसीओसी 131 का वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 132 के वीडियो के बारे में, जहां पे हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो हमारा टॉपिक है बॉम, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, ये जो हमारा बॉम का टॉपिक है, ये इग्नू के जो बीकॉम के नए सिलेबस लागू हुए हैं उसमें ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा कि आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास से करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ ऑफलाइन वीडियोज यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी, तो जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं बीकॉम की या आने वाले समय में एमकॉम की स्टडी करेंगे, आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी बंधु हैं, उन सबके साथ इन सारे वीडियोज को शेयर कीजिए, इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि बीकॉम की स्टडी जो है हमारे चैनल पे हो रही है, और यहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे कंटेंट्स मिलेंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये ब्लॉक वन है। ब्लॉक वन में हमारे टोटल चार यूनिट्स हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में, क्या बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले यूनिट की तरफ। जी, तो ये हमारा टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बोला जा रहा है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो कितने तरीके की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है यहाँ पे दो तरीके की है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है दो तरीके की है। सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि बिजनेस में पैसे इन्वॉल्व है, प्रोफेशन में पैसे इन्वॉल्व है, और इम्प्लॉयमेंट में पैसे इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि पानी पीना, नल्ला बैठना, खाना खाना, कुछ भी करना, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, और उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी में कैलकुलेट नहीं करेंगे जहां पे पैसे इन्वॉल्व ना हो, है ना। तो इस डेफिनेटली ये अलग ही किस्सा एक हो गया, है ना। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसमें बिजनेस, प्रोफेशन और इम्प्लॉयमेंट आता है। तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले देख लेते हैं। तो दीज आर द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाई ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप ड्यू टू लव एंड अफेक्शन कर रहे हो, सोशल ऑब्लिगेशन के कारण कर रहे हो, या फिर रिलीजियस ऑब्लिगेशन के कारण कर रहे हो, या फिजिकल रिक्वायरमेंट, या फिर पैट्रोटिज्म के कारण कर रहे हो, तो इन सबको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे इसको करने के लिए। आप अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हो, किसी से आपका साथ बहुत अच्छा अफेक्शन है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई सोशल ऑब्लिगेशन है आपको कि आपको कहीं पे जाना है, किसी से मिलना है, कोई रिलीजियस एप्लीकेशन है कि आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ोगे या फिर आप टेम्पल में जाकर के पूजा करोगे, ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज है यहाँ पे आप पैसे आप नहीं कमा रहे हो, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो द हाउस वाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, Children going to school and playing games, people going to temple or a mosque for prayer, जैसा कि मैंने आपको बताया, a social worker working for the uplift of the poor, etc. So these are the examples in which people don't earn anything. तो जहाँ पे earning नहीं होगी वो economic activity नहीं कहलाएगी, तो उसको हम कहेंगे non-economic activity. I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Example के तौर पे people who participate in such activities do not get any direct income benefit. Non-economic activities are carried out with the motive of providing services to others with non-monetary objective. है ना, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सको अदर लोगों को, जैसे कि एनजीओ का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों का हेल्प करती है बाई डूइंग डिफरेंट वर्क, सोशल वर्क, है ना। तो इन सबको भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो और भी दिए गए हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी जो होता है ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाउस होल्ड एक्टिविटी घर पे जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंसी में जो हम काम करते हैं, कुछ भी अगर हम काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे कोई हमें गाइड नहीं कर रहा, कोई हमें कुछ बोल नहीं रहा कि ऐसे करना है तुम्हें, क्योंकि जब बोलेगा तो बोलेंगे भाई क्यों 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 करूंगा, पैसे दे मुझे तब करूंगा, है ना। तो इस तरह की चीजों को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करेंगे, है ना। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आप समझ गए हो आई होप। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, है ना।
और इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये हमारा हो जाएगा। तो फिर ये टॉपिक हमारा आज का खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी और टॉपिक को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, सो दीज आर द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कनेक्ट कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ये इसलिए की जाएंगी ताकि आप पैसे कमा सको और अपना जीवन यापन कर सको। और इन सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कंसर्न होती है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ, उसके एक्सचेंज के साथ या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, कोई व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है जैसा कि मैं हूँ, एक इंप्लॉय अगर ऑफिस में काम कर रहा है, एक फार्मर अगर फील्ड में काम कर रहा है, दे आर ऑल डूइंग दिस टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड और एक्वायर वेल्थ। ये लोग जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें या फिर वेल्थ क्रिएट कर सकें अपने लिए। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप कि आपको नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यू नो डिस्टिंक्शन के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या अंतर होता है। छोटा सा पॉइंट है, इसको कवर कर लेंगे तो हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो इसको कंप्लीट देख के जाना, ठीक है ना। मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो कि आप पैसे कमाने के लिए करते हो या फिर अपना वेल्थ को एक्वायर करने के लिए करते हो। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर फाइनेंशियल गेन। दीज एक्टिविटीज जनरेट रेवेन्यू which may provide financial stability to the organization, for example working in the factory, office, etc. ठीक है ना? तो यहाँ जो भी आप काम कर रहे हो वो financial gain के लिए कर रहे हो, जो भी आप activity कर रहे हो यहाँ से revenue generate हो रहा है जिसका असर जो है आपके business के ऊपर पड़ेगा, है ना? Working factory में काम करना या फिर कुछ भी करना, ये economic activity का हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। सो दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू फुलफिल सोशल साइकोलॉजिकल मेंटल नेसेसिटीज, है ना। तो सपोज आप साइकोलॉजिकली आप चाहते हो कि आप किसी की हेल्प करो, है ना, तो हेल्प करने के जब आप करने जाओगे तो वहां से पैसे तो आपके अर्न होंगे नहीं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, फॉर एग्जाम्पल फंक्शनिंग ऑफ एनजीओ लाइक हेल्प एज, सेव द चिल्ड्रेन, क्राई, ईटीसी, दीज आर द एक्टिविटीज दैट एनजीओ वर्क्स ऑन and these are the activities which are called non-economic activities because they are not earning any income out of those activities, ठीक है ना? तो meaning I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं purpose के बारे में। तो economic activity का purpose क्या होता है? इसका purpose ये होता है कि these activities are undertaken with a financial motive। जब हम economic activity करते हैं तो हमारा motive होता है कि हम वहाँ से कुछ पैसे कमाएंगे, है ना? तो इसमें जो motive होता है वो financial motive होता है, है ना? Non-economic activity का purpose जो होता है वो financial motive नहीं होता, जबकि बल्कि social और mental needs को पूरा करता है। These activities undertaken with social and mental need। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी की help करूँ, है ना? तो ये जो मैं चाह रहा हूँ ये मैं किस लिए चाह रहा हूँ, ये मेरी social need है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं socially किसी की help करूँ, मेरा mentally मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी की help करूँ। तो इन सब चीजों को जो है हम non-economic activity में काउंट करेंगे। तो पर्पस भी हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है आउटकम्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या होता है? दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन द जनरेशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो एक्टिविटीज हम करते हैं यहाँ पे यू नो गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन और डिसिमिनेशन होता है, उसको जनरेट किया जाता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारा आउटकम हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या होगा भाई? दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन पर्सनल कंटेंट, है ना, कंटेंटमेंट, है ना। तो ये जो एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये पर्सनल कंटेंटमेंट के ऊपर एक तरीके से बेस्ड होती हैं। यहाँ पे कोई आउटकम जो है इस तरीके का नहीं निकलता है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का यू नो जनरेशन हो या फिर उसको डिसिमिनेट किया जाए। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। दिस कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी को फाइनेंशियल टर्म्स के माध्यम से डेफिनेटली उसको यू नो मेजर कर सकते हो कि आपकी कितनी कमाई हुई, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1,00,000 रुपए, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप मेजर कर सकते हो, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप पर्सनल फुलफिलमेंट के बेसिस पे मेजर कर सकते हो, पैसे के नाम पे आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर कोई काम किसी के लिए अच्छा करता हूँ तो देखना वो अंदर से खुशी आती है कि मैंने कुछ अच्छा किया किसी के लिए, है ना। तो ये जो आप यू नो आपको अच्छा लग रहा है या आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट है, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, तो आप इसको फाइनेंशियली आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे आप अपने नीड्स को फुलफिल यहाँ पे डेफिनेटली कर पाते हो। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू के बारे में। सो दीज एक्शंस एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है हमारी कंट्री को मिलेगा, हमारे जो नेशनल इनकम है उसमें ग्रोथ आएगा,
राइट right. तो वैल्यू एक तरीके से हम ऐड करते हैं बाय डूइंग आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी. दीज एक्टिविटीज डू नॉट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इसका कोई असर नेशनल इनकम पे नहीं पड़ता, या फिर इसका कोई बेनिफिट जो है नेशनल इनकम को नहीं मिलता, नेशन को नहीं मिलता. एग्जाम्पल में दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, आई मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी का. तो एन अकेडमिशियन जो पढ़ाई करवा रहा है, अ स्किल्ड पर्सन, एक व्यक्ति जो कि स्किल्ड है, एक डॉक्टर, एक लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन. अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं उससे कुछ पैसे तो चार्ज करूंगा नहीं, है ना, तो वो एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. डॉक्टर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स, गरीब बच्चों, गरीब लोगों का अगर एक डॉक्टर इलाज कर रहा है विदाउट हैविंग एनी फी, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वेबसाइट या फिर ऐप बनाता है, विच हेल्प्स हिज फादर इन फैसिलिटेटिंग द बिजनेस, जो कि उसके पापा को उस बिजनेस को बड़ा करने में काम करता है, तो वो भी एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पापा के लिए बनाया और उसके लिए वो अपने पापा से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, तो वो एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दोनों में क्या अंतर है. ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल टू दिस एंटायर वीडियो. अगर आपको पसंद आया है तो भाई प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि बीकॉम की स्टडी हमारे चैनल पे हो रही है, साथ ही साथ एमकॉम की स्टडी भी होती रहती है. तो जब भी आप एमकॉम में जाओगे, तो एमकॉम के लिए आपको कहीं और नहीं जाना होगा, उसके कंटेंट आपको हमारे वीडियो पे, आई मीन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू.